दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप WhatsApp का स्टेटस अपने फोन में कैसे सेव करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप WhatsApp का स्टेटस कैसे सेव करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना है जिसका नेम है स्टेटस सेवर। स्टेटस सेवर जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके स्मार्टफोन पे स्टेटस सेवर नाम की एप्लीकेशन जो है आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, 4.5 की रेटिंग से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है व्हाट्सअप का स्टेटस सेव करने के लिए। आप इसका लुक कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करके बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। तो इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। 2.89 MB की फाइल है तो काफ़ी जल्दी हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, यहाँ से आपको ग्रेड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये ऐप्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, इमेज और वीडियो का। अगर आप किसी फ्रेंड के व्हाट्सअप स्टेटस में इमेज को देखे रहेंगे तो यहाँ पे इमेज में वो सेव हो जाएगा, और अगर आप किसी फ्रेंड के व्हाट्सअप स्टेटस में वीडियो को देखे रहेंगे तो वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बस वही फाइल यहाँ पे शो होंगी जो कि आप व्हाट्सअप स्टेटस में चेक किए रहेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस चेक नहीं किए रहेंगे तो वो फाइल यहाँ पे शो नहीं होंगी। और फ्रेंड्स अगर आप किसी फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आपको अपने व्हाट्सअप में जाकर उस फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस फोटो या वीडियो पूरा देखना होगा, तभी वो यहाँ पे सेव हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन इसी बेस पे काम करती है, जब आप अपने व्हाट्सअप में जाकर किसी भी फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस पूरा देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी फाइल शो हो रही है उसको अगर आप अपने फोन में सेव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्लस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा ऑप्शन है रिपोस्ट और तीसरा ऑप्शन है सेव एज और चौथा ऑप्शन है डिलीट का। और यदि आप इस इमेज को अपने फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और ये इमेज जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि इस फोटो को आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं या रिपोस्ट करें तो आपको रिपोस्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा और आप इस इमेज को अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा सकते हैं या किसी को सेंड कर सकते हैं। और यदि आप इस इमेज को अपने वॉलपेपर या कॉन्टैक्ट के इमेज पे लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेट एज पे क्लिक करना है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि इस इमेज को डिलीट कर दें तो आपको सिंपली डिलीट बटन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने का। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इमेज को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं गैलरी में। और फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को भी इसी तरह से आप सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में। तो सिंपली वीडियो पे क्लिक करके ओपन करना है और वीडियो ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉर्नर में जो है प्लस का आइकॉन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करते ही 3 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, सेव, रिपोस्ट, डिलीट का। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाए तो आपको सेव पे क्लिक करना है, तो ये वीडियो जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस या अपने व्हाट्सअप किसी फ्रेंड को सेंड करें तो आपको रिपोस्ट पे क्लिक करना है। रिपोस्ट पे क्लिक करते ही आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा और आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं या किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिलीट बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपने फोन में बस एक एप्लीकेशन की मदद से आसानी से सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप देखना चाहते हैं कि ये इमेज और वीडियो हमारी गैलरी में कहाँ पे सेव हो रहा है तो मैं आपको अपनी गैलरी में ले जाकर दिखा देता हूँ। आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है और यहाँ से आपको फोन स्टोरेज में चले जाना है। फोन स्टोरेज को ओपन करने के बाद आपको एक फोल्डर मिल जाएगा अपने फोन स्टोरेज में स्टोरी सेवर नेम का। इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आप जो भी फाइल वहां से सेव बटन पे क्लिक करके सेव किए रहेंगे तो वो सारी फाइल यहां पे सेव हो जाएगी। और फ्रेंड्स यदि आप देखना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करना है, तो यहां पे हाउ टू यूज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस फोटो या वीडियो अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आसानी से इस वीडियो की हेल्प से किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपने फोन में सेव कर सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो फ्यूचर वीडियो डालूँ आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और जुड़ जाइए बिंदास सीखे यूट्यूब चैनल के साथ।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।